अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। एक बड़ी खबर आ रही है, केंद्र सरकार जमीन अधिग्रहण बिल पर तीसरी बार अध्यादेश जारी करने की तैयारी में है। पीटीआई के हवाले से खबर है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का बयान आया है कि सरकार लैंड बिल पर फिर अध्यादेश लाएगी। तो ये तीसरी बार होगा जब सरकार लैंड बिल पर यह अध्यादेश लाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत सरकार के लिए जरूर जमीन अधिग्रहण बिल बना हुआ है। और देखने को मिला था किस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा था जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर, चूंकि इसमें जिस तरह के एमेंडमेंट्स किए गए हैं, चेंजेस किए गए हैं, उसको लेकर एकमत नहीं हो पा रहे हैं सब। लेकिन अब बताया जा रहा है कि अब तीसरी बार अध्यादेश लाने की तैयारी की जा रही है सरकार की तरफ से। सोचिए एटीएम से आप कैश निकालने पहुंचे और करेंसी के बदले करंट लग जाए तो सोचिए कैसा महसूस होगा। यकीनन झटका लगेगा। हापुड़ के धौलाना इलाके में भी ऐसा ही एक वाकया सामने आया। यहां एटीएम में कई लोगों को करंट लगने का मामला सामने आया है। कैश निकालने पहुंचे कई लोगों ने बिजली के झटके महसूस किए। लोगों ने इस बारे में लोकल पीएनबी मैनेजमेंट को जानकारी दी, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल के बाद एटीएम को बंद कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक कल हुई बारिश की वजह से एटीएम में लोगों को बिजली के हल्के झटके महसूस हुए। अधिकारियों ने जल्द एटीएम ठीक कर इसे चालू करने का भरोसा दिया है। गार्ड ने जानकारी मुझे ना देने के लिए की सेल करने की, तो जो भी रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं उन्हें पकड़ेंगे। ये एटीएम को इसीलिए बंद करा गया ताकि आगे कोई अनहोनी ना हो पाए और हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करते गए, उसके मामले में संज्ञान से जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए एटीएम को ठीक कर दिया। 12 बजे से करंट आ रहा है और हमने सूचना दे दी है और इसमें कई लोगों को करंट मार दिया है और ये एटीएम पैसे नहीं दे रहा और हमने वापस भेज दिए। अच्छा, आपने किसी को खबर की है इस मामले में? हाँ जी, ऊपर सूचना दी थी और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बढ़ते आगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक कलयुगी प्रोफेसर की छात्रा ने जमकर खबर ली। संगीत विभाग में पदस्थ प्रोफेसर धर्मपाल पर छात्रा के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया। इसके बाद नाराज छात्र छात्राएं प्रोफेसर के आवास पर पहुंचे तो वहां प्रोफेसर किसी और छात्रा के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके बाद छात्र प्रोफेसर को अर्धनग्न हालत में पीटते हुए थाने ले जाया गया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। दिनेश सिंह जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं। दिनेश, जब सब कुछ सामने है तो FIR क्यों नहीं दर्ज हो रही है? देखिए श्वेता, दो वजह है। एक तो ऊंचे रसूख का प्रोफेसर है, इसकी रसूख काफी बताई जाती है विश्वविद्यालय में, जिसके चलते फिलहाल कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं, जबकि कैमरे के सामने सारी तस्वीरें कैद हुई हैं। पुलिस का कहना है कि जो बुनियादी कानूनी कार्रवाई होती है उसको पूरा कर लेने के बाद वे FIR दर्ज करेंगे। तहरीर लिखी जा रही है और बयान किए जा रहे हैं प्रोफेसर के। पुलिस का कहना है कि देर रात तक इस मामले में FIR कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस ने कोई FIR दर्ज नहीं। यानी कि एक तरह से अभी भी एविडेंस का इंतजार हो रहा है पुलिस की तरफ से, और रसूख के चलते कहीं ना कहीं पुलिस भी डर रही है FIR दर्ज करने में। लेकिन आखिर ऐसे किस तरह से कानून को संभाला जाएगा? पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर सहारनपुर में हमीदपुर इलाके में एक गुलदार बोरवेल में बुरी तरह से फंस गया। पानी पीने के लिए खेत में पहुंचा गुलदार बोरवेल के पाइप में जा घुसा। इस दौरान गुलदार की दहाड़ सुनकर ग्रामीण घबरा गए और लाठी डंडों से लैस होकर मौके पर पहुंच गए। हालांकि गुलदार को फंसा हुआ देख लोगों ने इस बात की सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद पहुंचे वन कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से पिंजरा लगाया और कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को पाइप से निकाला। वन विभाग ने रेस्क्यू के बाद गुलदार को जंगल में छोड़ दिया। तो काफी मुश्किलों के बाद इस बोरवेल को निकाला गया, घंटों फंसा रहा ये। पानी पीने के लिए गया लेकिन उसी पाइप में फंस गया, जिसके बाद इसको रेस्क्यू करने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा वन विभाग को भी, और लोगों के लिए भी एक कौतूहल का विषय बन गया था। जब गुलदार पिंजरे में बंद हुआ तो मानो लोगों का एक तरह से जमावड़ा लग गया उसको देखने के लिए।
और अब खबर जौनपुर से, जहां पर ट्रांसमीटर लगे गुब्बारे के मिलने से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। इस ट्रांसमीटर पर मेड इन जर्मनी की मोहर लगी थी। पुलिस ने ट्रांसमीटर और गुब्बारे को कब्जे में ले लिया है। दरअसल यहां के केराकत थाना क्षेत्र के भोगीपुर गांव में लोगों ने पेड़ पर एक गुब्बारे के साथ इस ट्रांसमीटर को देखा था। ट्रांसमीटर में दो छोटे एंटीने लगे हुए थे। इस संदिग्ध ट्रांसमीटर की खबर लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौसम विभाग से इस बारे में जानकारी मांगी, लेकिन मौसम विभाग के पास ट्रांसमीटर को लेकर कोई जानकारी नहीं थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस के आला अधिकारी इस ट्रांसमीटर को लेकर खुफिया एजेंसियों से संपर्क कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस ट्रांसमीटर से जुड़ी सभी जानकारियों को इकट्ठा करने में जुटी है। जो हमारी इंटेलिजेंस विंग है और इसमें हमारी पहली यूनिट है और जो जनपद का मौसम विभाग से संबंधित अधिकारी हैं, ये सभी मिलकर इसका जो है परीक्षण कर रहे हैं और ये जानकारी करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस चीज से संबंधित गुब्बारा है और इसमें छानबीन से जो भी तथ्य आएंगे सामने उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। जी संगम उठा रहा है आपकी सेहत के को लेकर सवाल। प्रदेश के अलग अलग शहरों में फैले झोलाछाप डॉक्टर्स का जाल हर साल लाखों लोगों की जान ले रहा है। जान बचाने वालों पर जान लेने के आरोप लग रहे हैं और जिन लोगों पर ये जिम्मेदारी है कि ऐसे डॉक्टर्स पर लगाम लगाएं, वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे। बागपत से आई एक ऐसी ही खबर पर जी संगम ने मुहिम शुरू की और आज इस मुहिम में हम बात कर रहे हैं उन्नाव के झोलाछाप डॉक्टर्स की। तो उन्नाव के जिला अस्पताल में झोलाछाप डॉक्टर्स और दलालों के बीच झड़प हो गई। दरअसल ये लोग मरीजों को जबरन प्राइवेट नर्सिंग होम और क्लिनिक पर ले जाना चाह रहे थे और इसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। काफी देर तक ये तमाशा चलता रहा। इसके बाद झोलाछाप डॉक्टर और दलाल वापस लौट गए। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान अस्पताल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। खुद मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी दलालों के रवैये से परेशान दिखे। झोलाछाप डॉक्टर उल्टा मीडिया से ही भिड़ गए और ऐसे में किसी को भी ख्याल नहीं रहा मरीज की सेहत का। इस बात को लेकर ही वहां पर लड़ाई होने लगी कि प्राइवेट अस्पताल ले जाओ जहां पे ज्यादा से ज्यादा पैसा बन जाए। लेकिन इस दौरान सबसे अहम सेहत जिसको सब भूल गए। तो मरीज को यहां से लेके जा रहे हैं, सफारी में डाल के लेके गए हैं नर्सिंग होम के लिए। प्राइवेट अपने जो हाँ एजेंट हैं वो झोलाछाप डॉक्टर हैं, अपना सब यहाँ से एजेंट यहाँ हॉस्पिटल से लेके जा रहे हैं यूनिवर्सिटी प्राइवेट सब उठा के ले जा रहे हैं मरीजों को। दलाली करने वाले सब लोग लेके जा रहे हैं जबरदस्ती और इसने हाँ जो उसने रोका यहाँ पर तो उसकी मारपीट का वादा हो गया इससे। हमारा मतलब किसी से लड़ाई न लड़ो, हम ये कहते हैं किसी को कहो ना, ये मतलब मैं किसी हर आदमी आता जाता गरीब हो चाहे पैसे वाला तमाशा बना रहे नहीं यहाँ से समझा दो भैया तुम ना लड़ो तुम ना लड़ो उठ के जा रहे हैं और तमाशा बता रहे हैं आप बना तो सेहत के सवाल को लेकर जी संगम की मुहिम के बाद अब यूपी सरकार भी हरकत में आ गई है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने आज बाराबंकी के जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अचानक हुए इस निरीक्षण से पूरा अस्पताल प्रशासन चौंक गया। स्वास्थ्य मंत्री ने जो मरीजों और तीमारदारों से बात की तो उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर अवैध वसूली के आरोप लगाए, जिसके बाद नाराज स्वास्थ्य मंत्री ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सूबे की अखिलेश सरकार सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है और जो इसमें बाधा बनेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो अचानक जब स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे तो हड़कंप मच गया पूरे के पूरे अस्पताल में, स्वास्थ्य विभाग में। हालात देखे हम लोगों की उम्मीदों के मुताबिक वो हालात नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सरकार ने किया है माननीय अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों ने सारा पैसा दवाइयों का भेजा है और ये हमने कह रखा है कि बिल्कुल फ्री एक्सरे फ्री अल्ट्रासाउंड फ्री जो अस्पताल में आए वो गरीब उसको फ्री इलाज दिया जाए। उस पैमाने पे ज़्यादातर दिए गए लेकिन कुछ ऐसे केसेज भी मिले इतने दिनों के बाद तो इतनी ये कमियाँ मिली हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट खरीदारों को आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी। भूमि अधिग्रहण मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की याचिका खारिज कर दी और इसके साथ ही किसानों को अब जमीन वापस नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो मुआवजा तय किया था वही मुआवजा किसानों को मिलेगा।
तो एक बहुत बड़ी राहत बायर्स के लिए है, क्योंकि असमंजस में लगातार पड़े हुए थे कि करें तो क्या करें, क्योंकि ना ही वो अपने फ्लैट्स बेच सकते थे और इतनी पूंजी लगा चुके थे कि अब हिम्मत नहीं थी कहीं दूसरी जगह फ्लैट खरीदने की। और ऐसे लोगों को एक बहुत बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और आइए अब एक नजर डालते हैं कि आखिर नोएडा एक्सटेंशन विवाद था क्या। ग्रेटर नोएडा के 65 गांव की जमीन पर करीब 100 प्रोजेक्ट्स नोएडा एक्सटेंशन में 2.5 लाख फ्लैट बन रहे हैं। फ्लैट्स की अनुमानित कीमत करीब 37,500 करोड़ है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 2008 में किसानों से जमीन अधिग्रहित की और 2011 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन में कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई। किसानों को 64% ज्यादा मुआवजा और 10% विकसित जमीन देने को कहा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, यूपी में नवजात बच्चियों की हत्या पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से जवाब मांगा है और यूपी में नवजात बच्चियों की हत्या रोकने को लेकर हो रही कोशिशों और सरकारी नीतियों की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगी है। मामले की सुनवाई अब 9 जुलाई को होगी। दिनेश अंजीम मीडिया संवाददाता हमारे साथ। दिनेश, ये पूरा मामला क्या है, किसकी तरफ से याचिका दाखिल की गई थी? चलिए दिनेश, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इस मामले में अब जवाब मांगा गया है केंद्र और राज्य सरकार से, किस तरह से प्रोग्रेस हो रही है, कौन सी नीतियां हैं इस बारे में। तो यूपी में खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए आरएलडी मुखिया चौधरी अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी ने पश्चिम यूपी में किसानों से रूबरू होना शुरू कर दिया है। समीक्षा कार्यक्रम का नाम सीधा संवाद रखा गया है। अजीत सिंह ने कहा कि आज किसानों की आवाज संसद में दब गई है। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल किसानों के साथ धोखा है। साथ ही उन्होंने यूपी सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि एसपी सरकार में घोटालेबाजों को पनाह मिल रही है। अजीत सिंह जी, वहां से तो उनसे बात करते सर, जिस तरह से 2014 के लोकसभा चुनाव में आपकी राजनीतिक जमीन काफी हद तक हिल गई थी, अब उस जमीन की नींव को मजबूत करने की तैयारी है? देखिए, लोकदल हमेशा गांव वालों के लिए, किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए लड़ता रहा है। और आपने सही कहा, पिछली बार जो चुनाव हुआ था वो साधारण चुनाव नहीं था, वो मुद्दों पे नहीं हुआ था, वो दूसरी तरह का चुनाव था। और अब किसान ये महसूस कर रहा है कि जो उसकी समस्याएं थी, जो उसके मुद्दे थे, वो बिल्कुल खत्म हो गए। वो बड़ी मुश्किल में है, आत्महत्याएं हो रही हैं, उसकी एक फसल नहीं, गन्ने का पैसा नहीं मिला, धान का पैसा नहीं मिला, गेहूं बर्बाद हो गया, सरसों बर्बाद हो गई, आलू का पैसा नहीं मिल रहा है उसको, आम खत्म हो गए और उसके ऊपर कर्ज में वो डूबा हुआ है। तो इसलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं, और किसान खुद ही महसूस कर रहा है कि इकट्ठे हों, फिर लोक दल की तरफ लोग देख रहे हैं। अब ये है, हमारे ऊपर है, हमारे कार्यकर्ताओं पे, कि वो कितना जाते हैं, कितनी उनकी समस्याओं के लिए लड़ते हैं। यूपी में जो बारिश ने तबाह कर दिया है किसानों को, वहीं चाहे केंद्र सरकार हो या यूपी गवर्नमेंट हो, बयानबाजी तो कर रही है लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर मदद नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, जब पहली बार बारिश हुई, एक महीना बीत गया और कृषि मंत्री का बयान संसद में बदलता रहा, यानी एक महीने तक सरकार को सही आकलन ये नहीं था कि कितनी जमीन प्रभावित है, कितने किसान प्रभावित है, उनकी संख्या ही बदलती रही। आज भी सरकारी दावों को आप सुनेंगे तो कोई सरकार मानती नहीं कि किसान सदमे में मर रहा है। बीजेपी ने यह कहा कि 2017 का जो चुनाव होगा वो बिल्कुल महाभारत के तर्ज पर होगा। भाजपा ने वायदे करना बंद कर दिया है। जो हर एक नवयुवक को रोजगार मिलने वाला था, उसकी बात कहने की हिम्मत नहीं है उनकी। जो मोदी साहब बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर में 400 रूपये प्रति क्विंटल गन्ने के दाम की बात कर रहे थे, अब वो कहने की उनको हिम्मत नहीं पड़ रही है। अब वो महाभारत करने को तैयार, अब महाभारत करने लायक रहेगी कहाँ बीजेपी? आरएलडी मुखिया खुद निकल चुके हैं पश्चिम में अपनी समीक्षा करने, साथ ही साथ वो किसानों को यह भी बताने की कोशिश करेंगे जो देश की मोदी सरकार है वो किस तरीके से किसान विरोधी है। नोएडा से कैमरामैन शिव शंकर के साथ अमराज चड्ढा, सी मीडिया। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में पुलिस पर धमकी देने का आरोप लगाया। दहेज प्रताड़ना में हुई महिला की हत्या के मामले में पीड़ित पिता ने साहिबाबाद पुलिस पर धमकाने का आरोप लगाया। दरअसल उनकी बेटी मंजू बिष्ट की दहेज के लालच में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पति समेत ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई थी लेकिन अब तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। मृतक महिला के पिता का कहना है कि कार्रवाई के बजाय पुलिस उल्टा उन्हें ही धमकाकर भगा देती है। मेरा 2 दफे हार्ट की सर्जरी हो चुकी है, इसलिए मम्मी की उसकी ऑलरेडी पहले हार्ट की वजह से डेथ हो गई है, तो इस वजह से वो थोड़ा भय करती थी कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पापा को भी कभी मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए।
तो इसलिए उसने मेरे को कभी नहीं बताया कि उन्होंने पैसा लिया है, आला अफसरों ने उसमें पैसा ले रखा है और इसलिए उसको उनको पकड़ नहीं रहे। और पुलिस को ये भी पता है कि इस टाइम पर वो इलाहाबाद में बैठे हुए हैं, स्टे के लिए गए हुए हैं और वहां फिर भी वो नहीं पकड़ रहे। तो हमें लगा कि जो बता रहे हो ठीक बताएंगे, और पापा ने फिर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कराई।